नमस्कार दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट पर एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि दरभंगा एयरपोर्ट दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। ये हलचल जो है वो दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू कराने के लिए दरभंगा से लेकर पटना और पटना से लेकर दिल्ली तक चल रही है, और पटना में लगातार जो है वो अधिकारी मंथन कर रहे हैं, और इसमें दरभंगा के जो सांसद है गोपाल जी ठाकुर वो भी लगातार इसमें एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, और वो पटना का दौरा कर रहे हैं। अभी वो पटना गए थे शुक्रवार को, और शुक्रवार को उन्होंने अधिकारियों के साथ, पटना एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक की, और उन्होंने बाकायदा समझा कि एयरपोर्ट का काम कहाँ तक पहुँचा है, और उन्होंने इस पर मंत्रणा की, और मंत्रणा में ये सामने आया कि उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में दरभंगा से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। ये ताज़ा तरीन खबर है, और पटना से बाकायदा उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात करके ये डेट या ये महीना उन्होंने बताया है। अखबार में ये खबर छपी है दरभंगा के, कि ये दिसंबर में तैयार हो जाएगा और उड़ान सेवा जो है दिसंबर में ही शुरू हो जाएगी। ये फिर से दोहराया है एक तरह से, लेकिन इस बार पटना के अधिकारियों के साथ बैठे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और इसमें सबसे अच्छी खबर ये है कि दिसंबर माह से यहाँ से उड़ान सेवा शुरू होने की पूरी संभावना जताई गई है। अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात सामने आई है, लेकिन इसके साथ कुछ बुरी खबर भी है, और बुरी खबर ये है कि जो है वो अधिकारियों ने कहा है कि खराब मौसम के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये नई चीज आ रही कि अभी भी खराब मौसम की वजह से अधिकारी मानते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बुरी खबर यह है कि नील गाय और बस स्टैंड के मुख्य प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग को लेकर कुछ समस्या है, जो अधिकारियों से ने अवगत कराया सांसद को, और सांसद ने कहा कि इसका निराकरण वो करेंगे। तो नील गाय की खबर हम आपको दिखा भी चुके हैं कि नील गाय किस तरह से अधिकारियों के वहां नाक में दम कर रखा है इन्होंने, नील गाय ने, और नील गाय की वजह से सुरक्षा को खतरा है, लैंडिंग टेक ऑफ में परेशानी हो सकती है, क्योंकि आसपास जंगल है वहां पर, और जंगल की वजह से नील गाय जो है वो कभी कभी रनवे पे आ जाती है, जिस कारण से समस्या हो सकती है। तो इस वजह से अधिकारी चाहते हैं कि फुल प्रूफ इसका इलाज हो, लेकिन वन विभाग की सहमति और अनुमति की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सांसद जी से कहा गया है, गोपाल जी ठाकुर से, कि आप इस पर समाधान कुछ निकालिए। तो अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है, बैठक सार्थक बताई जा रही है, लेकिन इससे बड़े, इससे सबसे ज्यादा समस्या ये है कि जो है वो 80 करोड़ रुपया आवंटन किया गया केंद्र सरकार से इस काम में, लेकिन खर्चा सिर्फ 20 करोड़ हुआ है, ये अधिकारियों ने बताया है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि 80 करोड़ रुपया जब केंद्र सरकार ने दिया है काम के लिए, आवंटित कर दिया गया है, तो सिर्फ 20 करोड़ ही खर्चा हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काम कितना हुआ होगा, ये अंदाज लगा सकते हैं, और इससे भी अंदाज लगाइए कि क्या ये दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 60 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो ये एक अहम खुलासा इस बातचीत से ये बात सामने आ रही है कि अधिकारी जो है वो सिर्फ जो है उन्होंने जो है वो 60 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा नहीं किया, 20 करोड़ ही खर्चा किया है 80 करोड़ में। तो काम की प्रगति क्या है ये तो फिलहाल सिर्फ इन लोगों की बातों से ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी ना कोई पुष्टि हो सकती है, ना कोई अंदर जाके कवर कर सकता है, ना देख सकता है। तो अधिकारी या नेता जो कह रहे हैं फिलहाल वही मानना पड़ेगा, और इससे पहले भी दरभंगा से दिसंबर में शुरू होने की बात सांसद कर चुके हैं, जो हम ये खबर आपको दिखा भी चुके हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सांसद सक्रिय हैं, और वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट शुरू हो, और इसके इसको लेकर के वो पटना भी दौड़ लगा रहे हैं, नेताओं अधिकारी सबसे बात कर रहे हैं, और इस तरीके से वो कुछ न कुछ कोशिश कर रहे हैं कि दरभंगा से जल्दी जल्दी फ्लाइट शुरू हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।